हेलो स्टूडेंट्स, इस ये लास्ट वीडियो है एक्सेप्शन हैंडलिंग और सी प्लस प्लस का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है जो कि थ्रोइंग, कैचिंग एंड ट्राई ब्लॉक के ऊपर है, और कुछ स्पेशल केसेस जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज़ होते हैं। तो थ्रोइंग मैकेनिज्म में क्या होता है, व्हेन एन एक्सेप्शन दैट इज़ डिजायर्ड टू बी हैंडल्ड इज़ डिटेक्टेड एंड इट इज़ थ्रोन यूजिंग द थ्रो स्टेटमेंट। तो अगर कोई एरर हो गया या फिर कुछ मतलब कुछ भी एरर है, कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आपको हैंडल करना है, तो वो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप जब डिटेक्ट कर पाएंगे तो उसके बाद वो थ्रो होगा यूजिंग द थ्रो स्टेटमेंट। तो थ्रो स्टेटमेंट का फॉर्म क्या होता है, थ्रो विद इन ब्रैकेट एक्सेप्शन देन सेमीकॉलन, या फिर थ्रो विदाउट ब्रैकेट एक्सेप्शन, या फिर ओनली थ्रो। तो एक्सेप्शन कैन बी ऑफ एनी टाइप, आप कोई भी टाइप के डेटा टाइप के फॉर्म में हो सकता है एक्सेप्शन। वन एक्सेप्शन इज थ्रोन, इट विल बी कॉट बाय द कैच स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द ट्राई ब्लॉक। तो पहले जब आपका एक्सेप्शन डिटेक्ट हुआ उसको आप थ्रो करेंगे, तो जब आप थ्रो करेंगे इट विल बी कॉट बाय द कैच ब्लॉक एंड द स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद द थ्रो ट्राई ब्लॉक। तो जहाँ से वो थ्रो हो रहा है वो ट्राई ब्लॉक में हो रहा है, लेकिन जहाँ पे वो कैच हो रहा है वो कैच ब्लॉक में हो रहा है। तो थ्रो पॉइंट कैन बी इन अ डीपली नेस्टेड स्कोप विद इन अ ट्राई ब्लॉक। ठीक है, फिर है कैचिंग मैकेनिज्म। तो कैचिंग मैकेनिज्म में उसका सिंटेक्स है कैच टाइप आर्ग्यूमेंट, और उसका जो भी स्टेटमेंट फॉर मैनेजिंग द एक्सेप्शन। तो ये जो टाइप है, दिस इज द टाइप ऑफ एक्सेप्शन हैंडल्ड बाय द कैश ब्लॉक, कौन से डेटा टाइप का एक्सेप्शन है, एंड आर्ग्यूमेंट इज द पैरामीटर नेम। सो द कैच स्टेटमेंट कैचेस एन एक्सेप्शन हुज टाइप मैचेस विद द टाइप ऑफ कैच आर्ग्यूमेंट। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इस आर्ग्यूमेंट टाइप से मैच करने वाला ही एक्सेप्शन कैच ब्लॉक कैच करेगा, और उसके बाद व्हेन इट इज कॉट द कोड इन द कैच ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो हमेशा ये कैच ब्लॉक में जो आपका आर्ग्यूमेंट है उसका टाइप एंड नंबर शुड बी मैच्ड विद द एक्सेप्शन कॉट। ठीक है, अगर मैच नहीं है तो वो एक्सेप्शन कॉट नहीं होगा बाय द कैच ब्लॉक। तो कुछ स्पेशल केसेस हैं इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो मल्टीपल कैच स्टेटमेंट भी होता है, जैसे ट्राई के बाद आप कैच कैच इस तरह से बहुत सारे लिख सकते हैं, और री थ्रोइंग एन एक्सेप्शन भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी नॉर्मली थ्रो इन्वोक्ड होता है, क्योंकि एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स होता है, एंड द करेंट एक्सेप्शन टू बी थ्रोन टू द नेक्स्ट एनक्लोजिंग ट्राई और कैच सीक्वेंस एंड इज कॉट बाय अ कैच स्टेटमेंट लिस्टेड आफ्टर एनक्लोजिंग ट्राई ब्लॉक। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा, पहले करेंट एक्सेप्शन जो भी होगा वो थ्रो होगा टू द नेक्स्ट एनक्लोजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक, देन इट विल बी कॉट, देन इट कैन बी कॉट बाय द कैच स्टेटमेंट विच इज लिस्टेड आफ्टर द एनक्लोजिंग ट्राई ब्लॉक। तो ये रीथ्रोइंग का भी यूज होता है, लेकिन उसका यूज बहुत कम है।